का इंटरनेट पे ना मेंटेनेंस बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है आपने देखा? हाँ मैम, हम इंटरनेट पे किसी भी कंट्री की ले लेते हैं यार, क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और फ्री टाइम तो हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो कुछ भी लिखते हैं इंटरनेट पे यार। तो बीच में कुछ तो इंडिया अमेरिका में टेंशन हुई 2 साल पहले, तो हम इंटरनेट पे ये सारे मीम्स बना के सर्कुलेट कर रहे हैं। अमेरिका अपनी औकात में रहे, जितना तुम्हारे पास तेल के कुएं नहीं है ना, उससे ज्यादा तेल तो मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ा देते हैं। I'm like, चूतिए, इस सरसों के तेल की बात नहीं हो रही है। भाई यूएस ने इराक पे अटैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनको थैंक्स गिविंग के पकौड़े तलने थे उधर, ठीक है? कुछ भी मत लिखो जियो यूजर। हम लोग इंटरनेट पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले नहीं पाते। एक साल पहले कोई तो हम इंग्लैंड में वनडे मैच सीरीज खेलने गए, बुरी तरह हारे हम लोग, बहुत ही घटिया खेले सर। लास्ट बॉल पे हमको 122 रन चाहिए थे। और आशीष नेहरा बैटिंग पे था। तो मैच के बाद वहां के इंग्लिश कमेंटेटर ने ट्वीट किया कि इंडियंस वर आउटप्लेड इन द फील्ड टुडे, नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, डिसअपॉइंटिंग। तो उस पे जाके हमारे बंदे कमेंट कर रहे, चुप कर लुटेरे। पहले हमारा कोहिनूर वापस कर। अब बंदे का लोकेशन दिखा रहा है गाजियाबाद। लाइक यार, तू किस बात का कोहिनूर मांग रहा है यार? नहीं, तुझे कुछ मांगना है तो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मांगना यार, अपने काम की चीजें मांगो ना यार। आपको पता है गाजियाबाद में इतनी बिजली जाती है, वहां पे लोग इलेक्ट्रिक गिटार जनरेटर पे बजाते हैं। सच में मैं वहां पे कॉलेज शो करने गया था, वहां पे रॉक बैंड का नाम था इन्वर्टर्स। हमारा कोहिनूर वापस करे यार। एक तो ये इंडिया की पब्लिक ना हमारा कोहिनूर वापस करो तो ऐसे हक से मांगती है जैसे उनका पर्सनल कोहिनूर ले गए थे अंग्रेज। जैसे एक दिन उनकी वाइफ कोहिनूर का पेंडेंट पहन के गाजियाबाद में घूम रही थी, पीछे से बाइक पे 2 जेब कतरे आए, लॉर्ड माउंटबेटन और जनरल डायर। और एकदम से जनरल डायर की नजर आंटी पे पड़ी क्योंकि आंटी ने स्लीवलेस पहनी हुई थी। फिर उन्होंने चेंज कीजिए और वो लंदन ही चले गए बाइक पे। और जब ये चोरी हो रही थी तो मोहम्मद जिना साइड में खड़े खड़े रूअफजा पी रहे थे, मतलब उन्होंने आंटी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है, उल्टा जिन्ना आंटी के क्लीवेज की तरफ देख रहे थे वो, क्योंकि उनको पार्टीशन पसंद है। आप लोगों को पार्टीशन में मजा आया नहीं? देखा, मुझे सच में टेस्ट पता है आप लोगों को, मैं ब्लफ नहीं कर रहा था। बट यू नो वी आर एट अ वर्स्ट इंटरनेट बिहेवियर व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। आपने देखा पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी सेंसलेस टाइप कर देते हैं और बदले में पाकिस्तान और भी सेंसलेस टाइप करता है। वहां पे ऐसा लगता है 1947 में हमारे IQs का भी बंटवारा हो गया था उधर, 19 उनका 47 हमारा। तो एज यूजुअल पाकिस्तान ने बॉर्डर पे कुछ बदमाशी की, तो व्हाट्सएप पे हम ये सब सारे फोटोज सर्कुलेट कर रहे हैं। ये आप सबको आया होगा, पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। अगर आप सब हिंदुस्तानियों ने एक साथ बॉर्डर पे मुद दिया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी।
और मैं सोच रहा हूं कल को युद्ध हुआ तो इस आदमी का प्लान है ये, मतलब ये है इसकी अग्नि मिसाइल, ये 1.2 बिलियन लोगों को एक साथ बॉर्डर पे इकट्ठा करेगा और हम सब पाकिस्तान की तरफ एम लेके मुतेंगे वहां पे, मतलब ये है ऑपरेशन विजय, ये मुतेंगे हम। और मैं सोच रहा हूं अगर वहां पीछे से चाइना ने मुत दिया तो हम भी तो बजाएंगे फिर। बस चाइना तो हाइट पे भी है, सीधा मुंह में मुतेगा हमारे, मतलब फिर पीना बैठ के मंचाओ सूप उधर। थैंक यू थैंक यू, आई टोटली डिजर्व इट। लेकिन आपने देखा हम लोग चाइना से पंगे नहीं लेते, देखो चाइना से हमारी थोड़ी सी फटती तो है। देखो वो जब हम 62 के वॉर में हारे, आई मीन जब वो ड्रॉ हुआ था, तो जब चाइना बॉर्डर पे बदमाशी करता तब युद्ध की बात नहीं होती हमारे यहाँ पे। मेरे को अलग ही मीम बन के आया, मेरे को एक चाइना अगर अपनी माँ का दूध पिया ना तो क्रिकेट के मैदान में लड़के बताओ, उनकी क्रिकेट टीम है भी नहीं। और मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा अगर अपनी माँ का दूध पिया ये थ्रेट क्यों है, गाली क्यों है, हर कोई अपनी माँ का दूध ही पीता है यार। निलेश इसमें क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है लोगों को, ऐसा थोड़ी चाइना में लोग चाची का दूध पी रहे हैं यार। गेम ऑफ थ्रोन्स थोड़ी चल रहा है कोई किसी का भी दूध पी लेगा यार। गेम ऑफ थ्रोन्स से मजा आया नहीं? देखा मुझे सच में टेस्ट पता है आप लोगों को।